दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर पहले मैं बता दूँ कि मैं सीबी रजिस्टर नहीं हूँ। नीचे लिखा हुआ है ओनली माइंड पावर मेडिटेशन टू मार्केट एजुकेशन कॉन्सेप्ट, पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस विथ लोअर एजुकेशन, यानी कॉल राइटर पुट राइटर के लोअर होते हैं डिग्री के अंदर, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 20 डिग्री, बराबर। तो वो मैं यहाँ पर लोगों को बताता हूँ, यानी प्रीमियम के लोअर कितने जाएंगे, यानी पुट का लोअर है तो भैया कॉल कहाँ तक जाने, तो कॉल का लोअर मतलब कि पुट कहाँ पे जाने वाली है। तो ये सिंपल भाषा के अंदर मेरे ग्रुप के अंदर है ना, इस एजुकेशन पर्पज़ के साथ कुछ अपडेट एडवांस में दी जाती है, जिसे कहते हैं कि मैंने अगर बोल दिया आज सुबह सुबह मार्केट के अंदर 5 बजे मैंने मेरे ग्रुप के अंदर अपडेट डाल दी कि पुट का लोअर ये है, समझ लो कोई प्रीमियम है ना, पुट के लोअर की वो चल रही है 55 रुपया, और मैंने बोल दिया पुट का लोअर जो है ना 11 रुपया है, तो समझ लो 11 रुपये आके ही रहेगा। उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ कि डेटा साइंस, अगर मान लो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लो, उसके अंदर आपको 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी। कोई भी ट्रेड आगे पीछे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिन लोगों ने पेपर ट्रेडिंग के अंदर महारत हासिल की और लोअर निकालने में, बिकॉज के लॉस है ना, पेपर ट्रेडिंग देखेगा चलेगा, लेकिन रियल ट्रेड के अंदर हमारा मुनाफा होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। अब एक महत्व की इम्पोर्टेंस की आपको सूचना देने जा रहा हूँ, इस सूचना को आपको 4 बार लिखना है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा गहरा कुआ है जहाँ पर आपको बार बार अवेयर किया जाता है कि आप ट्रेडिंग करो, आप ट्रेडिंग करो। देखो, आपके ट्रेडिंग करने से आप कितने अमीर बनते हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके ट्रेडिंग ज़्यादा करने से ब्रोकर जरूर अमीर बन जाता है, इससे मतलब है। तो आप ट्रेडिंग किस तरह से करते हो, तो आपको ये आपको रिसर्च करना चाहिए कि मैं ये ट्रेडिंग किस तरह की करता हूँ। तो मैं ट्रेडिंग मान लो इमोशनली करता हूँ और मैं बदला लेने के लिए करता हूँ, तो समझ लो ब्रोकर इसके अंदर कमाएगा, बिकॉज के हमारा ईगो जो है ना दूसरे की इनकम बन जाता है। तो ईगो ट्रेडिंग करने का बंद करे, स्मार्ट ट्रेडिंग उसे कहते हैं कि भैया बिजनेस के अंदर है ना हमें क्या करना है, विथ एक्यूरेसी काम करना और इस तरह से काम करना है। आपको समझना है कि 44,200 की पुट जो है वो 7 सितंबर, यानी 7 सितंबर तो भैया आया ही नहीं, अभी तो 31 तो शुरू हुआ है, तो 31 जब शुरू होता है तो 7 का गेम जो ना यहाँ पर शुरू हो जाता है, उसने कर दिया डबल बॉटम। अब 44,200 की पुट ने जो डबल बॉटम 220 का दिया, उसका मतलब के ऊपर की जो पुट थी, कॉल थी, वो कॉल ने अपना सपोर्ट सरका दिया, कंफर्म सपोर्ट सरका दिया, मतलब कि कोई ऐसी कॉल थी जो 187 से लेकर गिर के 130 डिग्री पर आई। और ये मेरे ग्रुप के अंदर मैंने पहले ही बता दिया था कि सारी कॉल जो थी ना वो कॉल के लोअर मैंने है ना बता दिए थे, और कल मैंने इतना भी कहा था मेरे ग्रुप के अंदर कि आप किसी ने भी दोपहर को 2:30 तक किसी ने भी है ना कॉल में एंट्री नहीं लेनी है, स्पष्टीकरण कर दिया था मैंने टाइम फ्रेम के साथ। ये कैसे कर लेता हूँ ना, ये सीखने के लिए ही ये कोर्स है, ये कोर्स वो सीखने के लिए है कि आप लोग ट्रेडिंग यानी ब्रोकर को फायदा हो ना उस तरह की ट्रेडिंग ना करो, आपको मुनाफा हो ना उस तरह की ट्रेडिंग करो। 7 सितंबर की जो पुट 89 पे चल रही है 19,300 की, बहुत से लोगों ने ये सोचा कि 90 से लेकर 112 तक का इसका टारगेट है, 90 से लेकर 112 तक का इसका टारगेट, तो 112 ही टारगेट लगाने में, तो 112 का अगर 109 लगा दिया, मान लो कि भैया ये पुट जो है ना आपकी हिट हो गई। लेकिन ये पुट का लोअर जो इसकी एसएल खाने आता है ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसको कहते हैं 33 डिग्री। तो मार्केट कहीं ऊपर ओपन हो गया, तो जो बंदे लोगों ने 112 के टारगेट के लिए पुट खरीदे उनको ये पता नहीं है कि 81 जो है ना वो लोअर है, और 9 पॉइंट की एसएल होती है यहाँ पर, 9 पॉइंट की एसएल खाने के बाद में पुट चलती है, लेकिन उसके पहले 75-64 का और लोअर दे देती है ट्रिपल टॉप के अंदर। तो पुट में अगर मान लो आपने होल्डिंग की है और पुट में आप ये सोच रहे हो कि आपको कमाने मिलेगा, तो मार्केट क्या करेगा, आपका जो लोअर है ना 81 का और 75 का लोअर है और 64 का लोअर है, ट्रिपल टॉप उसे कहते हैं, कि जिसमें कहते हैं कि भैया जिसने पुट ली उसको भगा देना और कॉल के लोगों को फंसा देना। देखो, लैंग्वेज को समझना आना चाहिए, अगर मान लो लैंग्वेज को समझना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप धोखा खाओगे मार्केट में, ओवर ट्रेडिंग कर बैठोगे, फायदा होगा आपको नहीं लोअर वो ब्रोकर को फायदा होगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इतना बता दूं मैं। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आता हूँ, जैसे ये सारे के सारे डेटा साइंस एनालिसिस से कहते हैं कि आपको मैं जरा बता देता हूँ कि ये पुट जो है ना, ये पुट 31 अगस्त की पुट 554 से मैंने ये 493 493 रुपये से 393 रुपये से दी, 397 397 से मैंने ये पुट दी थी,
और मैंने साफ साफ लिखा था ग्रुप के अंदर के 2:30 बजे तक आपको सी लेना नहीं। 2:30 तो क्या, 3 बजे 3:30 बजे ना सी किया ही नहीं इन लोगों ने, पुट में ही डाल दिया मार्केट, बिकॉज के आज इस लेवल पर ये 1 ओवर ट्रेचो कैंडल है ना, इसके ऊपर जाना है तो ये 421 से लेकर 380 की इसकी एसएल पड़ी है। ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट इसे कहते हैं, 3 मिनट का चार्ट है ये, और वो जो चार्ट दिखा आपको 30 मिनट का चार्ट, तो 43,200 की स्ट्राइक, मैंने साफ साफ लिख के रखा है कि 43,200 की स्ट्राइक ने अगर सपोर्ट तोड़ा है तो वो गैप अप में ही सपोर्ट खोल देगा। यानी जितने भी लोग लॉन्ग पुट के लिए बैठे हैं वो लॉन्ग पुट के अंदर सब केस लीड करके मिनिमम प्रॉफिट देके सी वालों को, कहने का मतलब कि सुबह के 1.5 घंटा जो मार्केट सस्टेन रहता है, साइड में रहता है, जिसको कहते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाना। 90 डिग्री का मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न बनाना, स्विंग करना, स्विंग करके ऊपर की तरफ ले जाना, स्विंग करके नीचे की तरफ ले जाना, जिसे कहते हैं स्विंग करना। तो स्विंग करने का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों मेरे, कि स्विंग करने का मतलब वो होता है यहाँ पर कि आउट द मनी में जितने भी है 45,000, 44,000, 400, 44,000, 500, 44,000, 600 के जो लोग खड़े हैं, 7 सितंबर के प्रीमियम, वो सारे के सारे प्रीमियम है ना, वो 7 सितंबर वाला खा रहा है। अरे मार्केट वापिस से रिवर्स में आ रहा है समझ लो, और मार्केट मार्केट समझ लो रिवर्स में आ गया तो क्या होगा, आपकी एसएल लीड होने वाली है 190 डिग्री। फिलहाल क्या है कि 190 डिग्री की जो एसएल है ना वो पुट की हीट होने वाली है, कॉल की नहीं हीट होने वाली है, पुट की हीट होने वाली है। तो पुट की जब हीट हो रहा है तो कॉल में कमा लिया करते हो, और कॉल में आपने क्या करना है, ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट लो, बुक करो, बाहर भागो बस। बिकॉज के जब ये तोड़ेगा इस प्रीमियम को, जब ये तोड़ेगा इस प्रीमियम को, जब ये इस चैनल के अंदर तोड़ेगा ऊपर लेके आएगा, तो वापिस इसका दिमाग क्या काम करेगा पता है, तो ये जैसे क्रॉस चैनल यहाँ से बना रहा हूँ तो यहाँ से, तो ये चैनल को ना वापिस से तोड़ना शुरू कर देगा। यानी ये चैनल जो है ना इसका सपोर्ट है, क्रॉस चैनल सपोर्ट है। तो इस तरह से आप लोगों को सिखाया गया कि भैया सपोर्ट रजिशन, सपोर्ट रजिशन, इसका मतलब कि अंग्रेजों ने आपको सिखा दिया ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करने के मतलब ये है कि भैया रोज की खाली एक ट्रेडिंग करो, रोज की एक ट्रेडिंग करो विथ एजुकेशन, जितना चाहे उतना लॉट लो, वो लॉट के अंदर प्रॉफिट निकालो, बाहर निकलो। बिकॉज के यहाँ पर जो चैनल बनती है ना वो आपका मार्जिन मनी ही नहीं, आपकी एवरेज ही सब खत्म करके जा रही है। लेकिन बिकॉज क्यों बताया कि आपने सपोर्ट किया, प्रीमियम ले तो सीधा 31 अगस्त का प्रीमियम लोगे आप। सबसे बड़ी गलती आज की तारीख में 31 अगस्त का प्रीमियम ले गया, समझ लो कि वो आपके प्रीमियम को आज ही डीके करना शुरू कर दिया। वहाँ पे हैच करने वाले क्या करते हैं, 2 घंटे के अंदर तो है ना मार्केट को है ना दबा दबा करते हैं, कहने का मतलब हैच करने का मतलब समझ लो क्या हुआ कि यहाँ पर उस स्ट्राइक पर यानी 45,000, 44,200 जो पुट राइटर है जो ऊपर लेके जाता है, तो ऊपर से 44,400 की जो स्ट्राइक है ना उसको हैच करना शुरू कर देता है, यानी सेल करना शुरू कर देता है। सेल का मतलब कि 2 से 2.5 घंटे या 1.5 से 2 घंटे या 4 4 घंटे तक कभी कभी है ना आपके प्रीमियम खाता रहेगा ही, यानी लॉन्ग हाई की उम्मीद न रखें। यहाँ पर इतना है 370 डिग्री तक का, यहाँ पर बाइंग आपको दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला है जो 130 डिग्री 122 का, मतलब कि 130 डिग्री डबल टॉप का मतलब क्या हुआ कि भैया कॉल ने है ना अपना गेम खत्म कर दिया, अब जाके शांति से बैठना है 10:30 बजे के बाद में, कोई हलचल नहीं करनी है जब तक 1:30 बजे तक मार्केट कोई नया ट्रेड आपको नहीं दे रहा है, तब तक दो ट्रेड करो, एंजॉय करो, बहुत हो गया मार्केट अंदर। मेरे पूरे दिन के अंदर मैं आरबीट्रेज स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर, जो इंस्टीट्यूशन वाले लोग करते हैं। जो कॉल 0 यहाँ पे हो गई, उसका फ्यूचर 7 अगस्त का कॉल देख लो 187 पे, जब ये कॉल 0 हो गई थी यहाँ पर 44,200 की कॉल 0 हुई, तो 45,200 का जो रजिस्ट्रेंस है ना 45,500 ना 59 का रजिस्ट्रेंस है, जो अभी अभी डाउन जो उसने लेवल दिया, ये रहा, ये मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर बराबर। तो आज का ट्रेडिंग मैं आपको बात बात में समझा दिया, अगर नहीं समझ गए हो तो लिख कर लखो कि मैंने क्या क्या लिखा है, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप जो बोलते हैं ना उसमें कॉल छुपी होती है, लेकिन कॉल छुपी लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो मैंने साफ साफ कहा कि 44,500 की जो स्ट्राइक है ये हेजिंग करने की, मतलब कि आपका प्रीमियम डिके करेगी तो वहां से पुट चलने वाली है बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 2 4 घंटे होते हैं ना, जैसे सुबह की मूवमेंट हुई हाई वोलेटिलिटी के, उसके अंदर स्पॉट में है ना वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको जो हाई मिल गया प्रॉफिट बुक करो, आराम से बैठो, उसके बाद की जो प्रॉफिट बुकिंग है आपको करनी है वो तकरीबन 1:30 बजे के बाद में आपको एंट्री लेनी है। तो ये मैं आता हूँ चार्ट पे, अभी आता हूँ, और इस चार्ट पे क्या बताया मैंने, देखो तो आप कमा रहे हो ना वो चीज़ पूरी अलग है, लेकिन कमा कर आप समझ रहे हो वो चीज़ पूरी अलग है। अगर मान लो कमाने में इंटरेस्ट है ना, तो इतना बता दो कि आपको समझने में इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा, जहाँ पे कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं भी है, कौन समझना चाहता है।
और समझने में इंटरेस्ट नहीं लिया तो समझ लो भैया कि वो आज नहीं तो कल जो आपका डीमैट है ना पूरा साफ कर देगा। बिकॉज क्या आपको लत लगा दी ना ट्रेडिंग करने की, आपको अमीर बना रहा ना मार्केट। जब मार्केट अमीर बना रहा ना तो इतना जरूर सोच लो कि भैया मार्केट मुझसे ओवर ट्रेड करवा रहा है और मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बार बार जो अट्रैक्ट करने का जो फॉर्मूला मार्केट का है ना, इसके झांसे में कभी ना आना। 44,971 का यहाँ पर मुझे रजिस्टेंस दिख रहा है, और 44,000 ये जो लोअर दिया ना 34,098, इसका मतलब कि फ्यूचर को इन लोगों ने सेल कर दिया। फ्यूचर को सेल करने का मतलब समझ रहे हो कि 44,200 की जो पुट राइटिंग है उसका एक्टिव कर देना और मार्केट जाना 44,900 की तरफ। 44,900 अगर क्रॉस कर दिया तो पता है कितना बनता है, 45,100 भी बन जाता है वहाँ पे। तो एकदम से 31 अगस्त की अगर पुट लेके बैठे हो, 31 अगस्त की अगर पुट लेके बैठे हो तो इतना जरूर बता दूँ कि मार्केट जो है ना आपका पैसा पहले खाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, एवरेज करनी पड़ेगी, और एवरेज के बाद में आपका 7 अगस्त की जो प्रीमियम है, 7 सितंबर की सॉरी जो प्रीमियम है वो वहाँ पे पुट की एक्टिव होगी। लेकिन फिलहाल तो है ना 1 तारीख को जो अगर बाइंग आ गई ना मार्केट के अंदर, 27 तारीख को ही बाइंग आ गई ना, तो समझ लो कि जितने भी पुट जो यहाँ पर होल्ड करके बैठे ना, ये सब लोग है ना कभी जिंदगी में है ना बिना एजुकेशन पुट नहीं लेंगे, बिना एजुकेशन पुट नहीं लेंगे। आज मौका है उनको बाहर निकलने का, अगर आप मान लो निकले नहीं पुट से, आज निकले नहीं मान लो, सुबह 1 घंटा मौका मिलेगा उनको, 1 से 2 घंटा 3 घंटा मौका मिलेगा। 3 घंटे का मौका है आपके पास पुट में से निकलने का। अगर पुट में से निकलते नहीं हो तो इतनी बुरी फंस जाओगे कि 44,644 का यहाँ पर मुझे रजिस्टेंस आज का दिख रहा है, और ऊपर ये जो है ना ये डबल टॉप दिख रहा है, एक टॉप दो टॉप तीन टॉप। तीन टॉप का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, तीन टॉप का मतलब ये होता है कि मार्केट है ना जो लोग 31 अगस्त में घुसे हैं ना, जो लोग पहले से खड़े रहते हैं स्टैंडिंग पोजिशन, जैसे भैया मार्केट तो बहुत आता है हमें, तो वो लोग है ना क्या करते हैं वहाँ पर ट्रैप में आ जाते हैं। तो तीन टॉप जो होता है ना मार्केट का, जिसको कहते हैं भैया रजिस्टेंस की तरफ जाना मार्केट का, तो मैं भी बैंक निफ्टी में लेके आता हूँ। मैं ये बंद इसलिए किया बिकॉज कि मुझे बैंक निफ्टी दिखाना था। तो ये जो होता है ना ये इस तरह से गैम्बलिंग करता है आपके साथ। देखो वो कहीं कुछ गैम्बलिंग नहीं कर रहा है लेकिन आप गैम्बलिंग में आ रहे हो बिकॉज कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। तो ये जो ओवर ट्रेड वाला फॉर्मूला है ना इसे निकाल दो। ये रहा इसका डबल टॉप, ये एक टॉप है, दूसरा टॉप है और तीसरा टॉप है। तो ये 6 9 सब कुछ लिख के रखा है ना मैंने, वो इसलिए लिख के रखा है ताकि आप इस साइकोलॉजी को समझे कि मार्केट के अंदर समझ लो कि आपको कमाना है ना तो उल्टी गिनती गिनना सीखना पड़ेगा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, जो आपको स्कूल में पढ़ाया 1 से लेकर 100 तक वो कभी गिनना नहीं। दूसरा मेरा जो प्रिंसिपल है उसे मैं फॉलो करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कभी भी है ना मार्केट में बिना गुरु ज्ञान नहीं है, बिना गुरु आपको कोई भी ज्ञान नहीं मिल रहा है, बिना गुरु आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिना गुरु आज जो पैसा गुरु को नहीं दे रहे हो तो वो पैसा जो है ना मार्केट आपसे ले जाएगा, हंसी खुशी ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन गुरु अगर कर लिया आपने मार्केट के अंदर, स्पिरिचुअल गुरु के, जो स्पिरिचुअल गुरु से कनेक्ट है उनको गुरु अगर बना लिया, मैं नहीं तो और कहीं, तो समझ लो आपको जो है ना वो पता चलना लगेगा धीरे 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 धीरे। 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, मार्केट गोल गोल घुमाएगा लेकिन वो गुरु कभी गोल गोल नहीं घुमाएगा। वो मार्केट के सत्य को आपके सामने बार बार लेके आए, आपको समझना यानी समझ लो कि भैया बोलते हैं ना कि माँ के कोख से भी बच्चा निकला है और माँ के कोख से बच्चा निकल के सीधा रोटी का निवाला मुंह में नहीं डालता, ये तो सबको पता है। तो हम लोग जो है ना ये पढ़े लिखे ऊपर के लेवल पे आए और बड़े बड़े फंड लगा दिए, लेकिन जो बच्चों की तरह ट्रेडिंग होती है ना, जिसको कहते हैं 2 लॉट 5 लॉट लेना, अगर ये प्रैक्टिस नहीं की और थोड़ी बहुत ब्रोकरेज नहीं जाने दी और मान लो थोड़ा बहुत टाइम पास नहीं किया, थोड़ा बहुत मान लो लॉस भी बुक नहीं किया, तो बड़े ट्रेड के अंदर वो फॉर्मूले तक कभी जिंदगी के अंदर पहुंच नहीं पाओगे, जहां पर मार्केट जो ना 250 का प्रीमियम 959 तक 44,400 का मेरे ही ग्रुप के अंदर मैंने भविष्यवाणी की थी वो गया। मैंने तब वो प्रीमियम है ना 255 पे, जब 44,100 की बात कर रहा हूँ, जब 255 पे मैंने 3 दिन पहले मैंने जूम मीटिंग पे कहा था मेरे ग्रुप के अंदर कि ये 255 का प्रीमियम है ना आपको लेना है, यहाँ से बाय करना है, कोई लॉस वहाँ पे कोई भी आपको एसएल लगानी नहीं है। मेरे जो कॉल होते हैं ना बिना एसएल के कॉल लगा देता हूँ मैं, बोला कोई एसएल लगाने की जरूरत नहीं, टारगेट लगाओ टारगेट हिट हो जाएगा, अरे आज नहीं तो कल हिट होगा। लेकिन मेरे कॉल के पीछे ना आपको बोलते हैं ना कि उजागर करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर मैंने 300 पे कॉल दिया या 350 पे कॉल दिया या 400 पे दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए ना 812 पे जाएगा। इसे कहते हैं कि माइंड पावर कॉन्सेप्ट, ये सीखना हो मेरा जो नंबर है मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। आशा करता हूँ कि भैया है ना एक लवी की तरह कभी जीवन में सीखने की उम्मीद मत रखना, और ऐसा भी मत सोचना कि ये जो डेटा मैंने दिखाया है ये डेटा जो है ना
ये काम करेगा हमारे प्लान बी फॉर्मूला के साथ, 9991330975 नंबर है, ये करता है मार्केट के प्लान बी फॉर्मूला के साथ। अब मार्केट का प्लान बी क्या होता है तो मार्केट ही जाने, लेकिन उसके पहले हमें तो माइंडसेट करना चाहिए ना, हमें भी तो माइंडसेट करना चाहिए ना। जो ड्राइंग कर लिया मान लो, ये आपने देख लिया, अरे यार ये तो बहुत होशियार इंसान है, एक काम करता हूँ मैं पूरा ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको है ना मैं क्या करता हूँ पता है, मैं डेटा में लिख देता हूँ, और ऐसा हो गया तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगा कि यार कौन देता है आजकल, बहुत नुकसान खा भाई। नुकसान रिकवर करने के लिए मान लो चोरी आपने की, गई चोरी की ना, तो कुदरत है ना दोस्त मेरे, आपके अवचेतन मन के अंदर परमात्मा बैठे हो, सब देख रहे हैं कि चोरी कर रहा है बंदा। अगर मान लो ईमानदारी से कमाया वो टिकता नहीं, तो चोरी का कहाँ सा टिकेगा मुझे इतना बताओ जरा। ईमानदारी से जो बंदा कमाता है ना वो टिकता नहीं आज की तारीख के अंदर, तो चोरी से कमाया कहाँ तक रहेगा मुझे बताओ, तो थोड़ा क्षणिक सुख देगा उसके बाद में तो भैया वो है ना। रोज मेरी वीडियो की लत लग गई आपको, अब रोज आपको एक्यूरेसी पता चल गई, रोज फ्री में कमा रहे हो, फ्री में कमा रहे हो, फ्री में कर रहे हो, गुरु दक्षिणा की तो बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। तो समझ लो भैया जो कमाया है ना, एक दिन में बोल देता हूँ कि आज मेरा फॉर्मूला काम भी नहीं आने वाला, वो है गुरुवार, बुधवार और गुरुवार को मेरा फॉर्मूला कोई भी काम ही नहीं। तो उसी बंदा, वही बंदा जो ना उसी फॉर्मूले पर ट्रेड गलती से कर लेगा, जहाँ पर जितना कमाया है ना इतना सारा लालच होते हैं, लालच होती है ना, लालच एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये ब्रोकर को मुनाफा देती है, आपको कोई मुनाफा नहीं देने वाली। अब जितना कमाए, मैंने पहले कंटेंट कहा कि सावधान रहे, बिकॉज के ब्रोकर आपको यहाँ पे ट्रिक कर रहा है। मैंने परसों एक ब्रोकर की मैंने पुट देखी थी, और मैंने उसको बोला था भाई साहब अगर ऐसी पुट देते रहे ना, अगर ऐसी पुट देते रहे ना तो आपकी ब्रोकरेज की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन उसके नुकसान का आपको कोई मुनाफा नहीं मिलने वाला है, जो ब्रोकरेज देने के बाद में वो खुद भुगतता है। तो मेरे को है ना ब्रोकर ने ना उसके ग्रुप के अंदर कॉल दी थी जिस ग्रुप में मेरा डीमैट ओपन है, और ऐसे ग्रुप के अगर मान लो आप काम कर रहे हो और आपको अट्रैक्ट किया जाता है, देखो आपके फायदे के लिए कोई अट्रैक्ट नहीं करता, आपको देखना हो ना तो आपको वो फिल्म इंग्लिश में निकली हुई है वॉल स्ट्रीट, वो देख लो जरा क्या कहा है। देख भाई यहाँ पर अगर तू लोगों के मुनाफे के लिए काम करेगा ना, तो इतना बता दूं मैं तेरे को, कभी जिंदगी में तेरी तरक्की नहीं होने वाली है। यानी ब्रोकर, ब्रोकर दूसरा जो ब्रोकर बनने आता है ना उसको बोल रहा है, जो ब्रोकर ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, जैसे 9-6 बंदे बोलते हैं कि मुझे ब्रोकर के साथ काम करना है, तो बेचारा सीधा होता है, बोलता है यार मैं पब्लिक को कमा के दूंगा, यानी पब्लिक अपने पास ज्यादा डिमेट ओपन करवाएगी। तो साफ साफ वॉल स्ट्रीट के अंदर बोलता है कि देख भाई तू तेरे फायदे के लिए यहाँ पे आया, ना कि लोगों के फायदे के लिए। अगर मान लो लोगों के फायदे के लिए आया ना, इतना बता दूं मैं कि तू 2 दिन भी टिक नहीं पाएगा, तुझे बेचना नहीं आएगा, तुझे समझाना जरूरी है, तुझे बेचना नहीं आएगा। तो ये समझाने का छोड़, बेचना शुरू कर तू तेरी सेल्समैनशिप से। यार आप नहीं मानोगे इतना घटिया पिक्चर बनाया, लेकिन सच्चाई इतनी साफ साफ बताई है ना कि जो हो रहा है वो मार्केट में आपके सामने हो रहा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए पीएसयू बैंक के बारे में बोल गए, मार्केट गिरा। चंद्रयान जो उड़ने वाला था उसके 2 दिन पहले तो मार्केट गिरा, तो मुनाफा किसको हुआ भैया, मुनाफा किसको हुआ, जबकि लोग 500 500 का प्रीमियम 1000 के लिए खरीद कर बैठे, तो उनके प्रीमियम ही 255 पर 155 पर आ गए, तो बंदे कहाँ से कमाए। चंद्रयान तो उड़ गया लेकिन वो तो गिर गया ना मेरे पास। तो ऐसा ऐसा ना बहकावे में आके ट्रेड ना करना, मेरी वीडियो लंबी जरूर बनती है लेकिन नॉलेज के अपडेट से भरपूर होती है, जिसको कहते हैं कि डेटा साइंस। नौ सभी रजिस्टर पहले बता दूं, यहाँ पर अध्यात्म को लेकर मार्केट सिखाया जाता है। बैंक निफ्टी का चार्ट में कभी देखता ही नहीं हूँ मैं, लिखता हूँ डाउन जोन्स का चार्ट, और डाउन जोन्स पे चार्ट में जाके मेरा ट्रेड सेटअप बनाता हूँ, और पूरे दिन उसी के हिसाब से लोगों को एजुकेशन बताता रहता हूँ। जिन जिनको रियल ट्रेडिंग अगर प्रॉफिट होता है वो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो सीखने वाले होते हैं ना, वो जैसे छोटे बच्चे सीख रहे हैं ना, उस तरह से केजी में पढ़ रहे हैं, उस तरह से सीखते हैं। यहाँ पर आशा करता हूँ कि छोटे बच्चे बन जाए, मार्केट के सामने बाप बनने की कोशिश ना करके, बाप बनने की कोशिश की मान लो 1 करोड़ से 2 करोड़ कमा लिया, समझ लो दूसरे दिन ना वो पूरा सूद समेत लेके जाएगा, बिकॉज कि एक बार अगर गट्स फीलिंग आ गई ना मार्केट के साथ, ईगो आ गया ना, मार्केट किसी का नहीं है। आशा करता हूँ सीखे समझे सूझबूझ से काम करे मार्केट के अंदर, मार्केट के पास खरबों का खजाना है, आपको है ना आपके हिस्से का ले जाना है, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया पर, जय जय भारत।